मुरादाबाद के कड़कड़ थाना अंतर्गत संबल रोड करबला गली नंबर 2 निवासी लईक अहमद की विवाहिता पुत्री शाइस्ता परवीन ने अपने पति व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। शाइस्ता परवीन द्वारा DIG, DM और SSP को संयुक्त रूप से प्रेषित किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उसकी शादी कड़कड़ क्षेत्र निवासी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के साथ हुई थी। आरोपी की शादी के बाद से ही पति व ससुराल के लोग उससे दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे आए दिन प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि उसके देवर मोहम्मद यूनुस द्वारा तमंचे के बल पर उसका शारीरिक शोषण भी किया गया, जिसकी शिकायत जब उसने अपने पति यूसुफ और सास रईसन से की तो उन्होंने किसी से शिकायत करने पर जान से मारने एवं तलाक देकर घर से निकाल दिए जाने की धमकी दे डाली। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि जब वह गर्भ से थी तो उसके पति द्वारा गर्भपात के उद्देश्य से उसे इंजेक्शन लगा दिया गया, इसे भी उसने सहन कर लिया, लेकिन पति व ससुराल के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उसके पति सास ससुर देवर नंद नस्पा नंदोई अतिरिक्त दहेज में होंडा सिटी कार व 2 लाख रुपए की मांग करने लगे, अन्यथा तलाक देने को धमकाने लगे। उसने जब इसका विरोध किया तो सब लोगों ने उसे मारा पीटा और पहने हुए कपड़ों में घर से भगा दिया। इतना ही नहीं, जब वे अपने भाई के साथ घर जा रही थी तो रास्ते में उसके पति डॉक्टर यूसुफ ने रोक लिया और उसे 3 बार तलाक दे दिया, जिसकी रिपोर्ट थाना कटघर में दर्ज करा दी गई है। आरोपी की पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही और आरोपी मुकदमा वापस लेने के लिए उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। क्या मैटर है आपका? मेरा 8 जून को FIR दर्ज हुई थी कटघर थाने में, गंभीर धाराओं में भी होने के बाद उसकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस वजह से धाराएं वो FIR दर्ज हुई थी? आप 3 तलाक तो 313। आपके पति ने तलाक दिया था? क्या नाम है उनका? तलाक दे दिया था डॉक्टर। क्या नाम है उनका? डॉक्टर। कहाँ रहते हैं? शादी कब हुई थी? शादी मेरी 19 मार्च 2021 को हुई थी। ये कहाँ रहते हैं आपके हस्बैंड? मुस्लिम नगर सेंटर कॉलेज। शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी मुस्लिम नगर सेंटर कॉलेज के पास हुई थी। कितने साल हुआ शादी को? साल 16-17 महीने हुए हैं। क्या पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये कह रही है कि उन लोगों के घर पे ताला लगा हुआ है, हम क्या करें? आप ढूंढो पहले, हमें उनको ढूंढ के बताओ, फिर बताएंगे। हम बताते हैं तो वो जाते नहीं है वहाँ पर। तलाक देने की क्या वजह रही? तलाक देने की वजह ये हुई, सुबह के टाइम पे वो हम पापा और मैं आ रहे थे तो उनके क्लिनिक के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी हमारे साथ में। हमने 112 नंबर पर डायल कर दिया। 112 नंबर पर जब डायल किया तो हम थाने चले गए वहाँ पर। तो वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे एप्लीकेशन देके, तो उन्होंने हमें 3 तलाक दो। दहेज की मांग भी करते हैं? दहेज की मांग भी करते हैं, कार मांगते हैं। थाने पर मुकदमा दर्ज कराया, फिर आपने कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई वैसे बयान तो हो गए हैं मेरे, लेकिन क्या नाम, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप क्या चाहते हो इसमें? मैं ये चाहती हूँ गिरफ्तारी हो इन लोगों की और इनको उनकी गुनाह की सज़ा मिले। ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि मतलब दबाव में हमारे कह रहे हैं, हम कुछ होगा इसमें धाराएं निकल जाएंगी और आप जो है क्या नाम कोर्ट के चक्कर ही लगाती रहेंगी। कौन से थाने की पुलिस है? कटघर थाने में 10 सराय 34। मैं कटघर थाने जाती हूँ तो वो जिनके पास मेरी विवेचना है महेश सर की, उनके पास मुझे भेज देते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ तो वो ये कह देते हैं बोले उनका पता तो लगाओ और कुछ नहीं होने वाला, चक्कर ही काटती रहोगी तुम। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था आपने? ये 8 लोग। पति सहित? हाँ।